अस्सलाम वालेकुम वस, वेलकम टू माय चैनल कुक विद रूमा खान। आज मैं आप लोग के लिए मानसून स्पेशल चाट बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्वीट कॉर्न चाट यानी मकई के दाने की चाट बनेगी, लेकिन बहुत ही मज़े की बनेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल कुक विद रूमा खान को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने पानी रखा है बॉयल करने के लिए। पहले थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे पानी को, फिर उसमें हम अपने कॉर्न ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने दो भुट्टे लिए थे, उसको छील के उसके दाने निकाल लिए थे, और मार्केट में दाने भी बिकते हैं छिले छिलाए हुए, वो भी आप ले सकते हैं, और भुट्टे लाके घर में भी निकाल सकते हैं। अभी बारिश का मौसम है तो ये टाइम पे कॉर्न बहुत आती है मार्केट में, और हम लोगों को तो बहुत पसंद है इसका चटपटा सा चाट बना के खाने का, फ्राई करके खाने का। आप लोगों को पसंद है कि नहीं पसंद है, आप लोग भी अगर इस तरीके से बना के एक बार खाएँगे तो बहुत ही मज़े की चाट बन के रेडी होती है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। ये देख सकते हैं मेरी कॉर्न बॉयल हो चुकी है। अब मैं इसे छान लूँगी, छान के साइड में रख देंगे। फिर यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून बटर ऐड कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा बटर नहीं डालना है, 1 टेबल स्पून ऐड करना है बस। अब इसमें मैं अपने कॉर्न ऐड कर दूँगी जो कि मैंने छन्नी में रख दिए थे। आप देख सकते हैं पानी सारा उसका निकाल दिया था। अब इसे हम कुछ सेकंड के लिए सॉटे करेंगे। आप डायरेक्ट बॉईल करके एक बाउल में डाल सकते हैं, उसमें भी सारी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं, चाट बन सकती है। लेकिन इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा बटर का टेस्ट इसमें जो आता है ना, बहुत अच्छा लगता है, और कॉर्न हमारी थोड़ा अच्छा सॉटे हो जाती है। फिर उसमें मैं रेड चिल्ली पाउडर 1/3 टेबल स्पून ऐड करी थी, और 1/3 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करी थी। सॉरी, वीडियो थोड़ा बंद हो गया था, दो चीज़ें मैंने पहले डाल दी थी। और फिर अब हम चाट मसाला इसमें डालेंगे, रेड चिल्ली पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड कर देंगे। चाट मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है। फिर इसमें नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। चाट मसाला भी मैंने ऐड किया है तो उसमें भी नमक रहता है, इसलिए नमक आप ध्यान से डालें इसमें। अब इन मसालों को भी हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं। फ्लेम को एकदम अब हम लो पे कर देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एकदम ड्राई हो चुके हैं, कुछ भी पानी वगैरह नहीं है। जो नमी थी वो हमने इसको बटर के साथ में सॉटे करके सब उसकी नमी को सब एकदम अच्छे से ड्राई कर लिया था दाने की, जो भी कॉर्न की हमारे। अब इसमें मसाले भी कुछ सेकेंड के लिए खाली हम ऐसे ही मिक्स कर लेंगे, बस फ्लेम को एकदम लो पे रखेंगे। ये मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम कुछ ऊपर से हमारे थोड़ा सा, इसमें मैंने यहाँ पे एक ग्रीन चिल्ली चॉप करके ऐड करी है, एक टमाटर बारीक कट करके ऐड किया है, 1/2 यहाँ पे कांदा है उसे ऐड किया है बारीक चॉप करके, और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। ये चीज़ें तो इसमें ऑलरेडी जाएंगी हर हाल में जाएंगी, क्योंकि इसी से चाट का मज़ा आता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये स्वीट कॉर्न चाट जो है ना, पुणे की बहुत ही फेमस, बारिश के मौसम में ये हिल स्टेशनों में हर जगह मिलती है। आप इसे घर पे बना के इसका मज़ा लें। और ये इतनी चटपटी सी बन के रेडी हुई थी, हम लोगों को तो बहुत मज़ा आया खाने में, बहुत अच्छी लगी। अब इसके ऊपर 1/2 लेमन जूस ऐड कर देंगे। यहाँ पे नींबू का रस डालेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इसी से हमारे चाट का अच्छा सा एक चटपटा सा तीखा सा टेस्ट आए, थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा तीखा ऐसा लगेगा। अब ये हमारी चाट बनके रेडी हो गई है, अब इसे हम सर्व करते हैं। आप इसे मज़े से खाएं, एंजॉय करें बारिश के मौसम में, क्योंकि ये कॉर्न जब ही मिलती है फिर बाद में तो आती नहीं। आप लोग भी ला के बना कर देखें, और अगर आपको बना के टेस्ट करके देखें अगर अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, घंटी का जो बटन है उसे ऑल पे क्लिक कर लें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।